सभी सम्मानित किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, हमारा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, जैसे कि अभी हम एक गांव में आए हैं, गांव का नाम है महमदपुर और इस गांव में जैसे एक समस्या बहुत जटिल थी किसानों के पास कि इनके धान का जो चावल था वो टूटता था। जब ये धान की मशीन में कुटाई कराते थे तो उस समय चावल टूटता था, तो इसका उपाय क्या है कि क्या ऐसे किया जाए कि धान का जो चावल है वो कम टूटे। तो उसके लिए किसान भाइयों, जैसे कि अभी हम बहुत सारे किसान से बात भी कर रहे थे, तो उसका मेन चीज ये है कि जब आपका धान लगभग 80-85% पक जाए और 10-15% कच्चा रहे तब आपका धान जो है वो कट जाना चाहिए, और धान कटने के बाद उसको खेत में ज़्यादा दिन तक वो पड़ा ना रहे। यदि उस अवस्था में आपका धान जो है कटता है तो धान में टूटन की जो समस्या है वो कम होती है। दूसरी चीज़ है किसान भाइयों की, जब आपका धान गभोट अवस्था में होता है उस समय आप अपने धान के खेत में पोटाश का अगर प्रयोग करते हैं तो आपका जो धान है वो मजबूत होता है, तब वो नहीं टूटता है। तो अगर आप इस प्रकार से काम करेंगे तो आपके धान में टूटन की समस्या कम होगी और जैसे जैसे आपको जानकारी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होगी और आप एक होनहार हुनरमंद किसान बन जाएंगे। ऐसी बात है, ये बात है, ये ना 35 साल तो किसान ना एक ना किसान ना खेत रहा हो सब इसीलिए जो खेत में नहीं चुपाते हैं बात करने जाते हैं उसका चावल बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको ये जानकारी मिली है, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करिएगा वीडियो को। बाकी सभी किसान भाइयों को नमस्कार।